नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण से परेशान लोगों को शुक्रवार सुबह से ही हुई बारिश से हल्की राहत मिली है। गुरुवार रात और शुक्रवार को दिन में हल्की हल्की बारिश ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को कम किया है। वहीं AQICNorg के मुताबिक शनिवार सुबह की बात करें तो सिर्फ आनंद विहार छोड़कर दिल्ली में सभी जगह AQI लेवल 200 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई है, हालांकि इससे पूरी तरह से निजात नहीं मिला और यह अभी भी खराब स्थिति में बना हुआ है। वहीं अगर बारिश की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली NCR में बारिश के कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बाकी हल्की तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी रहेगा। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्यों में हल्की बारिश संभव है और ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसके परिणाम को लेकर फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है कि यह किस हद तक कारगर साबित होगी। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक दिल्ली में 14 से 13 नवंबर तक हल्की तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिसकी वजह से पराली और दीवाली पर होने वाले प्रदूषण से राहत रहेगी। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन इन जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है और बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को हुई हल्की बारिश की वजह से राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। दिन के तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री पर आ गया, जो कि करीब 27 से 28 डिग्री पर था। वहीं रात का तापमान 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।